नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। शहर की दुकानों में बिकने वाली सामग्री शहर के आमजन के लिए कितनी स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ ही कितनी साफ सफाई और कितनी बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इस बात की पुष्टि करने के लिए शहर में कई विभाग तैनात है। लेकिन उसके बाद भी ऐसी कई घटनाक्रम उदयपुर शहर के खाद्य सामग्री बेचने वालों के सामने आ रहे हैं, जिसके तहत साफ स्पष्ट हो रहा है कि अपनी कमाई के लिए आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से भी ये लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको बता दें कि शहर में कई मेलों का आयोजन करके अपने राजस्व को बढ़ाने के मद्देनज़र सैकड़ों दुकानें मेलों परिसर में लगाई जाती है, लेकिन किसी प्रकार की कोई जांच या कोई निगरानी संबंधित विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है। ऐसा ही एक नज़ारा बीते कल नगर निगम प्रांगण में लगने वाले मेले में सामने आया। आपको बता दें कि संबंधित मेला परिसर में कई दुकानें लगी है, जिसमें आम जीवन के जीवन से जुड़ी सामग्री या वस्तु बेची जा रही है। इन्हीं दुकानों में से एक दुकान आचार की भी लगी है। मेला परिसर में खरीदार की खूब भीड़ भी उमड़ रही है, उसी के तहत संबंधित आचार की दुकान पर भी लोगों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच शहर का एक आम जन संबंधित दुकान पर अपने परिवार के साथ पहुंचा और वहां से केरी का अचार खरीदने की इच्छा जाहिर की, जिस पर दुकानदार ने दुकान पर रखी बर्नी को खोलकर संबंधित ग्राहक को बताया। फिर क्या था जो नज़ारा सामने आया, उसमें मेला परिसर में कौतूहल का विषय बन गया और कई लोग जो इधर उधर घूम रहे थे वह भी सभी उस दुकान पर भीड़ के रूप में एकत्रित हो गए। मामला कुछ इस तरह सामने आया कि जिस अचार की बर्नी को दुकानदार ने खोलकर बताया, उसी पर छिपकली होना सामने आया। हालांकि घटित घटनाक्रम के बाद दुकानदार ने अपनी गलती भी स्वीकार की और साथ ही दुकान से संबंधित फ्लेवर का सारा अचार जो करीब 12 किलो था वह भी मौके पर ही लोगों के सामने फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि आम घरों में इन दुकानों के माध्यम से पहुंचने वाला आचार कितना पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक है। यह तो साफ तौर पर स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि इनकी पौष्टिकता के पैरामीटर को माप करने वाला एक पैनी नजर रखने वाले की जिम्मेदारी जिन विभागों को सौंपी गई है, वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितनी बखूबी कर रहे हैं वह भी साफ स्पष्ट होता नजर आ रहा है। ऐसे में हमने दुकानदार से जब बात की तो सामने आया कि एक फ्लेवर का अचार एक बार में 15 किलो निर्मित किया जाता है। छिपकली निकालने का मामला सामने आने के साथ ही लोगों ने जो दुकानदार से फिकवाया वह लगभग 12 किलो था। इस बात से स्पष्ट होता है कि जिस अचार में छिपकली होना पाया गया, लगभग शहर की जनता उसमें से 3 किलो अचार खरीद कर भी अपने जायके को बढ़ाने का काम कर लेने वाली है। हम सब उन्हीं सज्जनों से अपील करते हैं कि जिन्होंने नगर निगम परिसर में चलने वाले मेले से जो अचार खरीदा है उसे इस्तेमाल ना करें। साथ ही उन जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों से भी गुजारिश करते हैं कि समय समय पर औचक निरीक्षण के कार्य पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करें, जिससे लोगों के स्वास्थ्य की पूर्ण सुरक्षा की जा सके। हम यह भी कदाचित नहीं कहते कि इस दुकानदार ने साफ सफाई या व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखते होंगे, लेकिन इस तरह की कोताही कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना या घटना को कारित कर सकती है। जी, पहले तो आपका नाम? नाम राघवेंद्र सिंह सप्ता। क्या हुआ? कोई नहीं, हम यहाँ से अचार का डिब्बा ले गए थे, उसके अंदर छिपकली निकली। तो अभी कितनी देर पहले की बात है? ये 3 बजे की। तो अचार का डब्बे में से आपको छिपकली मिली यहाँ पे? ठीक है, दुकान देख लेता। कितनी देर पहले लेके गए थे अचार का डब्बा आप? 3 बजे दिन में। 3 बजे और आपको कितनी देर पहले पता चला ये इसमें छिपकली निकली? 1 घंटे पहले। और किसी ने खाया? खाने बैठे तब। खाना खाने बैठे किसी ने? जैसे खाना खाने के लिए निकालने के लिए बैठे तब। और किसी ने खाया अचार का उपयोग करा? बच्ची को दिया था पर उसने उपयोग नहीं लिया, निकालते ही तुरंत आ गया था। तुरंत आ गए तो 3 बजे से आप यहाँ पे आ गए थे? 3-4 बजे? नहीं नहीं, अभी आए हम तो। ओके, अब क्या कार्रवाई चाहते? कार्रवाई तो देखेंगे आगे क्या है क्या? तो उनसे बात हुई आपकी, जिनसे जिनकी ये शॉप है? उनसे बात हुई है। तो क्या कह रहे वो? आ रहे हम यूं कह रहे। ठीक है, तो अभी आएंगे, उनसे बात होगी। ठीक है, इसमें अगर बच्ची खा लेती तो उसको जहर फैल जाता पूरे शरीर में। यहाँ पे कई सारे डब्बे पड़े हैं? कई सारे डब्बे पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है।